अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने अपना फोटोशॉप ट्यूटोरियल, सबसे पहला ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि मैं आपको फोटोशॉप CS6 में सिखा रहा हूँ। बाकी वर्जन में भी तकरीबन इतना फ़र्क नहीं, लेकिन फिर भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने उस वर्जन की आपको डिटेल बताई है। तकरीबन तमाम वर्जन में ऑप्शन एक जैसे हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत एडवांस होती रहती हैं और इसमें ज़्यादा कोई मसला नहीं है। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आज जो मैं ट्यूटोरियल आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू चेंज द कलर ऑफ आ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी आईज़ का कलर चेंज करना चाहते हैं आप, उसके अलावा स्किन का कलर चेंज करना चाहते हैं, कपड़ों का कलर चेंज करना चाहते हैं, व्हाट्स एवर, जो भी आप जिस भी चीज़ का कलर चेंज करना चाहते हैं, आप उसके लिए चेंज कर सकते हैं, जो आज मैं आपको ट्यूटोरियल सिखाने जा रहा हूँ इसकी मदद से। इसके लिए मैंने एक पैरट की तस्वीर ली है, ओपन के इसको ओपन करते हैं फोटोशॉप में। मैंने सिर्फ ये एक डेमो के लिए ली है। अब इसके अलावा इसके जगह पर आप किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हम ये यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें, जितने हिस्से का कलर चेंज करना है उतने हिस्से को सेलेक्ट करें, यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट और फिर यहाँ से ह्यू एंड सेचुरेशन की ऑप्शन को क्लिक करें। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं इसकी शॉर्टकट की से, अगर यहाँ से हम क्लिक नहीं करते अगर तो डायरेक्ट अगर हम कंट्रोल यू दबाएं तो भी हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ से अभी इस हिस्से का कलर चेंज कैसे होगा, अभी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन कलराइज की ऑप्शन अगर हम इसको क्लिक करेंगे, तो फिर हम इसके इसका कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक इसको जैसे मैंने कलराइज के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। ये वैल्यूज अगर तो आपको कलर की मिक्सिंग याद है या आपको समझ आती है, तो आपको पता होगा कि क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर सारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अगर मैं इसको कलराइज को दोबारा डीसेलेक्ट करता हूँ, तो तमाम वैल्यूज जीरो पर चली गई हैं और वो कलर भी दोबारा ये वाला वापस अपनी असली जगह में आ गया। इस तरह हम इसको किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं, किसी जिस तरफ को मूव करते रहेंगे, जिस तरफ को जो भी कलर आपको चाहिए। आपको अगर थोड़ा लाइट कलर चाहिए, तो आप इसको वाइट कलर की तरफ वाइट की तरफ लेके जा सकते हैं लाइटनेस में, या अगर डार्क चाहिए तो इसको डार्कनेस में ले जाएं। यहाँ से ऊपर जो सबसे ऊपर वैल्यू है, इसको आप जिस कलर में चेंज, लाइक आप ब्लू करना चाहते हैं तो इसको ब्लू पर लें। यहाँ से आप इसकी सेचुरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितना डार्क चाहिए, और यहाँ से इसकी लाइटनेस को ये जितना मर्जी लाइट कर। अभी हम पूरे पैरेट का कलर चेंज करना सीखते हैं। लाइक जितना भी इसका ये रेड कलर वाला हिस्सा है, या अगर हम सिर्फ चूंच को ही करना चाहते हैं, इसको डीसेलेक्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिलेक्शन को कंट्रोल डी दबाएंगे। कंट्रोल डी दबाने से सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि जो जिसका इस पैरेट का ये जो रेड वाला जितना भी हिस्सा है, सबका कलर चेंज, पूरे पैरेट का कलर चेंज किया जाए। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, जितने जितने हिस्से का कलर चेंज करना है हमने, इसको सिलेक्ट करते रहें क्लिक करके, तो इसको जहाँ जहाँ तक खींचते जाएंगे ये सिलेक्ट होता रहेगा। समटाइम जिस तरह के ये है आपके सामने, ये चूंस भी सिलेक्ट हो गया, वाइट कलर इसके अंदर आ गया सिलेक्शन के अंदर। तो इस या जिस तरह के ये वाला हिस्सा इसका, ये वाइट वाला, ये भी इसके अंदर आ गया सिलेक्शन के। अगर हम इसका सबका कलर चेंज करेंगे, तो इसका ये वाइट वाला हिस्सा भी चेंज हो जाएगा, जो कि अगर आप चेंज करना चाहें तो इसमें कोई मसला नहीं है, अपनी हर एक बंदे की अपनी चॉइस है। लेकिन हम सिर्फ फिलहाल इस ट्यूटोरियल में ये देख रहे हैं कि सिर्फ हमने रेड कलर चेंज करना। अगर हम यहीं पर आल्ट का बटन दबाएं, तो आप ये देखें मेरे कर्जर के अंदर, वो पहले प्लस था, ये प्लस है अभी। अब मैं आल्ट का बटन दबाऊंगा, ये नेगेटिव माइनस हो जाएगा, ये माइनस में चला गया। जहाँ से डी सेलेक्ट करना है माइनस दबाएं। अगर हम कंट्रोल डी यहाँ पर यूज़ करेंगे डी सेलेक्ट करने के लिए, तो ये पूरा डी सेलेक्ट हो जाएगा और फिर हमें ये सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए सिर्फ छोटी सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए आल्ट का बटन दबाएं और क्लिक करके यहाँ से इसके बिल्कुल साथ साथ लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर रखें, आल्ट दबाएं
और क्लिक करके इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना। अब ये भी थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ से भी इसको कर लेते हैं, वो थोड़ा सा चला गया हमने, चलें। अब हमने सेलेक्ट कर लिया इसका हिस्सा, अब हम कंट्रोल यू की मदद से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल यू में कलर आइज को करें क्लिक, तो ये आपके सामने है। जितना जितना हिस्सा इसका सिलेक्ट हुआ है उसके वो उतना उतना हिस्सा वो उसने दिखा दिया हमें सिलेक्ट हुआ। अगर ये थोड़ा सा रह गया, जैसे ये रेड हल्का सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर हल्का सा नज़र आ रहा है, तो अगर आप इसको बिल्कुल और गहराई से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लें, यहाँ से थोड़ा सा था। अगर आप इसको करीब से देखना चाहते हैं कि ये, और फिर इसको यहाँ से आप ये नीचे इसकी परसेंटेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपको अब ज़्यादा क्लोज नज़र आएगा कि कितना कितना हिस्सा सिलेक्ट हुआ सही या कितना नहीं हुआ। अब आप और ज़्यादा डीपली इसके अंदर जाके कर सकते हैं, ये बिल्कुल छोटे से हैं, यहाँ पर ये थोड़ा समटाइम मुश्किल होता है। ये सिलेक्शन करने के बाद आप आर्ट का बटन दबा के, अगर माउस के जो सेंटर में स्क्रॉलिंग के लिए ऑप्शन होती है, अगर उसको घुमाएंगे तो ये तब भी जूम इन या जूम आउट चला जाएगा, लेकिन इस टाइम मैं लैपटॉप पर हूँ तो मेरे पास माउस अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से जितने परसेंटेज पर लेके जाना चाहता हूँ मैं डायरेक्ट उसी परसेंटेज पर जा रहा हूँ। अब दोबारा कंट्रोल यू दबाएं सिलेक्शन मुकम्मल करने के बाद, कलराइज भी ऑप्शन, और फिर जिस भी कलर में आपने चेंज करना है उस कलर में आप चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर में चेंज करना है आपने। कलर चेंज करने के बाद कलर चेंज किया, ओके कर दें, कंट्रोल डी दबाएं, डी सेलेक्ट हो जाए। ये थोड़ा बहुत रेड नज़र आ रहा है, अगर आप इसको मतलब करेंगे और डीपली तो ये रेड कलर भी ख़त्म हो जाएगा सारा। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक इख्तिताम पज़ीर होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल के साथ सेम कलर चेंज करने की टेक्निक को दूसरे अंदाज से देखेंगे कि कलर किस तरह चेंज किया जा सकता है, कलर किस तरह चेंज किया जा सकता है। तो आज हमने ये सीखा कि सिलेक्शन करने के बाद ह्यू एंड सेचुरेशन में जाके कलर इजीली चेंज किया जा सकता है, सबसे इजी मेथड है ये। उसके अलावा दूसरे भी और मेथड हैं, ब्रश के जरिए और सिलेक्शन के जरिए, वो हम इंशाल्लाह आइंदा ट्यूटोरियल में सीखेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।